गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माई नेम इज़ रमनदीप कौर ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकनॉमिक्स का आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो आपके सिलेबस में आपका फोर्थ यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो फोर्थ यूनिट में आपका सबसे पहला टॉपिक जो है वो प्राइजिंग पॉलिसी के साथ रिलेटेड है ठीक है तो आज हम प्राइजिंग पॉलिसी का मीनिंग एंड उसकी इम्पॉर्टेंस करेंगे ठीक है तो प्राइजिंग पॉलिसी जो क्या होती है ठीक है प्राइजिंग पॉलिसी रेफर्स टू द वे ऑफ कंपनी सेट द प्राइसिस ऑफ इट्स सर्विस एंड प्रोडक्ट बेसिंग ऑन दियर वैल्यू डिमांड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द मार्केट कॉम्पिटिशन राइट कि प्राइजिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वे जिसमें कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जो प्राइस सेट करती है वो प्राइस किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है उसकी वैल्यू के ऊपर डिमांड के ऊपर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और मार्किट का जो कॉम्पिटिशन है इन चीज़ों के ऊपर वो प्राइस बेस्ड होता है ठीक है तो प्राइजिंग पॉलिसी इसलिए जरूरी है सारी कंपनीज के लिए क्योंकि ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है बिजनेस को कि हमने कैसे प्रॉफिट क्रिएट करना है और जहाँ जिन एरिया में हमें लॉसेस हो रहे हैं वो कैसे उसको कवर अप करना है तो प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो हैंड इन हैंड है ठीक है जी हैंड इन हैंड चलती है विद प्राइस स्ट्रेटजी ठीक है तो मेनली प्राइस स्ट्रैटजीज़ का सॉरी प्राइस पॉलिसी का मीनिंग यही है कि हमने अपने प्रोडक्ट जो हमने प्रोड्यूस किया है जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए एक प्राइस सेट करना है अपने कॉम्पिटिटर का प्राइस देखते हुए हमें कितनी कॉस्ट लग रही है ये सारी चीज़ें देखते हुए हमारी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में तो ये एक प्राइजिंग पॉलिसी हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि हमने ऐसा प्राइस जो है वो सेट करना है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का राइट right? नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइस पॉलिसी क्या है तो फर्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंस में आ रहा है हमारे पास मेंटेन अप्रोप्रिएट लिविंग स्टैंडर्ड ठीक है तो जो प्राइजिंग पॉलिसी है जो हमारा अप्रोप्रिएट जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसको मेंटेन करके रखने के लिए हेल्प करते हैं क्योंकि अगर प्राइस जो है वो राइज़ हो जाएगा तो उससे क्या होगा हमारे लिविंग स्टैंडर्ड जो पीपल का है वो डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि उनको प्राइस उनका जो है किसी चीज़ का इंक्रीज़ हो गया बट उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने फंड्स नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके वो प्राइस तो वहाँ उनके एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो गया ना तो वहाँ पर क्या होगा स्टैंडर्ड ऑफ पीपल जो है वो लिविंग का उनका फॉल हो जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कंपनी की वो भी ख़राब हो जाएगी इसलिए हमें प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जो प्राइस को कंट्रोल करना अजेंशियल है ठीक है सेकेंड पॉइंट इज टू मेंटेन प्लानिंग पन प्लानिंग को मेंटेन करके रखने के लिए भी प्राइस कंट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर प्राइस राइज होगा तो हमारा प्लानिंग का वर्क जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा ठीक है तो उससे क्या होगा उससे रिजल्ट क्या आएंगे जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे प्लानिंग के वो सारे एम्स ऑब्जेक्टिव वो है ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे ख़राब हो जाएंगे तो इसलिए प्रॉपर मेंटेनिंग प्लानिंग प्रोसेस को मेंटेन करके रखने के लिए प्रॉपर मैनर्स में मेंटेन करके रखने के लिए प्राइस जो है उसको हर एक कॉस्ट पर मैंटेन्ड कर कर रखना पड़ेगा कंट्रोल्ड कर कर रखना पड़ेगा ठीक है थर्ड पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम मोनिट्री फ्लक्चुएशन मोनीटरी फ्लक्चुएशन मीन्स के प्राइस में चेंजेस आते रहना फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन आते रहना ठीक है तो जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है उससे ज़्यादा इंक्रीज हमारा प्राइस हो गया नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो मोनीट्री फ्लक्चुएशन जो है वो डिफेक्ट्स क्रिएट करती है तो इस प्रॉब्लम को रिमूवड करने के लिए अप्रोप्रिएट प्राइस टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है प्राइस कंट्रोल का सॉरी को टेक्नोलॉजी बोल दिया प्राइस कंट्रोल का होना जरूरी है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैलेंस इन डिमांड एंड सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई में एक बैलेंस होना जरूरी है ठीक है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है इकोनॉमीज में क्या होता है सरकम जो है चेंजेस होती रहती है सिचुएशन डे बाय डे सिचुएशन चेंज होती रहती है ना सेम डे सेम सप्लाई डिमांड नहीं होती तो बैलेंस जो है डिमांड एंड सप्लाई का इस चेंजेस की वजह से जो है वो डिस्ट्रप्ट होता है कंज्यूमर उसको डिस्ट्रप्ट करते हैं ख़राब करते हैं इस बैलेंस को तो इसलिए ये शोज़ करता है कि हमें एक डिमांड एंड सप्लाई को प्रॉपर वे में रखने के लिए प्रॉपर हमारे पास प्राइस कंट्रोल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है फॉर वेल एडजस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट ठीक है जो प्राइजिंग <coughs> पॉलिसी है वो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर क्या है विद द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर फॉर क्विक सप्लाई ऑफ गुड्स कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से जो क्विक सप्लाई होती है गुड्स की लेस प्राइस पर वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है एडजस्ट होना चाहिए ठीक है ठीक है कि विद द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर फॉर क्विक सप्लाई ऑफ गुड ऑन लेस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट ठीक है कि हमने इस कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से अगर देखें कि अगर हमने क्विक सप्लाई करनी है गुड्स की लेस प्राइस पर तो जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं उनमें एक वेल well एडजस्टेड होने चाहिए उनमें एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए ठीक है इट ये नेसेसरी है ठीक है जी इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द कंज्यूमर प्राइस ठीक है ये इसलिए नेसेसरी है ताकि हम जो कंज्यूमर प्राइस है उसको कंट्रोल कर सके ठीक है लास्ट पॉइंट इज सिक्स पॉइंट ठीक है यहाँ पर सिक्स नंबर डाल लेना लास्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव सिचुएशन प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो हम कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को देख कर भी सेट करते हैं ठीक है कि वी हैव टू नो वेदर द फर्म इज़ फेसिंग परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम परफेक्ट कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो फर्म है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अगर तो वो इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो जो प्रोड्यूसर है उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा प्राइस पर ठीक है जी प्राइजिंग पॉलिसी हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस ओनली अंडर इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन ठीक है इसमें क्या है कि प्राइजिंग पॉलिसी सिर्फ उसी जहाँ पर जो प्रोड्यूसर है खुद प्राइस चार्ज कर सकता है वहाँ ही प्राइसिंग पॉलिसी जो है इसकी इंपॉर्टेंस होती है वो होती है इम्पर्फेक्ट कॉम्पिटिशन में मनोपली में तो ये हमने किया था ना मार्केट स्ट्रक्चर में कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो प्रोड्यूसर को प्राइस जो सेट किया गया है वो मानना पड़ेगा तो मनोपली में वो खुद से अपना प्राइस करता है ना तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि वो प्राइस टेकर होते हैं प्राइस मेकर नहीं होते प्रोड्यूसर बट जो मनोपली में होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं प्राइस टेकर नहीं होते वो खुद अपना प्राइस बनाते हैं ठीक है थीके? तो जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ मनोपली इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही सूटेबल होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वो सूटेबल नहीं होगी क्योंकि प्राइस जो है वो पहले से ही सेट होता है गवर्नमेंट द्वारा ठीक है एजेंसी द्वारा ठीक है वहाँ पर प्रोड्यूसर खुद उसको नहीं सेट कर सकता राइट तो अपने कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को देखकर भी प्राइसिंग जो है वो हम सेट करते हैं अपनी प्राइसिंग पॉलिसी कि हमारा कॉम्पिटिटर कैसी कैसे प्राइस पर दे रहा है अगर वो अगर वो लेस प्राइस पर दे रहा है हम हाई प्राइस पर दे रहे हैं तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो तो हमारे कॉम्पिटिटर के ऑब्वियसली है कि अगर हमारा कॉम्पिटिटर हम लेस प्राइस पर चीज़ बेच रहा है हम हाई पर दे रहे हैं तो वो ऑब्वियसली है वहाँ शिफ्ट करेगा ठीक है इसलिए हमें अपने कस्टमर अपने कॉम्पिटिटर को हिसाब से भी अपनी प्राइजिंग पॉलिसी जो है वो सेट करनी होती है ठीक है तो ये था प्राइजिंग पॉलिसी का मीनिंग और इम्पॉर्टेंस ठीक है अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है थैंक यू क्लास